कोंडागांव में पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आधी तूफान से किसानों की सब्जियां, मक्का आदि की पैदावार खराब हो रही है, लेकिन शासन और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। मक्का की बंपर पैदावार हो रही है, लेकिन सरकारी दर पर मक्का की खरीदी नहीं होने के चलते किसान औने पौने दामों पर मक्का बेचने को मजबूर हैं, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि जिले के अधिकांश जगहों में मनरेगा कार्य मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। हमें जा रहे हैं, इमली खरीद रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका सही मूल्य गांव वालों को नहीं मिल रहा है। इसका प्रशासन को जांच करना चाहिए, कलेक्टर महोदय को इसको बारीकी से देखना चाहिए और स्थानीय लोगों को उसका उचित मूल्य मिले, इसकी मांग हम सरकार से कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को भी बोल रहे हैं कि आप इसकी जांच करें और अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं फंस रही तो उन्हें उचित मूल्य दिलाए ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।